चौथे सर अब सब सब सारे के सारे बढ़िया होंगे, होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया से फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और रिएक्शन के साथ वापस एंड आज हमने लाइक like, पूरे के पूरे एम जंग के सॉन्ग्स खत्म कर दिए हैं और अगर मतलब रिएक्शन तुम्हारे पास अगर एक्स के बाद भी शायद एक दो आएंगे मेरे ख्याल से बट मतलब हमने सुन सारे लिए हैं एंड वीडियोज़ बना लिए पर आज हम लोग पूरे फील में थे कि एम सी के बारे में पूरी स्टोरी समझ रहे थे उसके सॉन्ग सुने थे पूरा का पूरा मतलब उसमें घुस चुके थे तो अभी लाइक हमारा सामने है ना ये वीडियो आया एमसी स्टैंड तीन सौ सात लाइव स्टोरी और इसमें अपने को पूरी स्टोरी समझाएगा लाइक okay. वो सक्सेस uh, स्टोरी भी हो सकती है और इंसिडेंट्स जो इसके बाद घटे होंगे वो भी स्टोरीज हो सकती है तो हमारे पास और भी गाने थे बट आज हमने सोचा कि हम लोग आज पूरे फील्ड में है तो आज पहले ये पूरा का पूरा निपटाते सो लेट्स गेट टू द रिएक्शन एंड बिफोर दैट ऑल द फैंस मेक टू सब्सक्राइब एंड प्रेस एमसी स्टैंड लेट्स गेट इन एंड तो क्या हाल चाल है भाई लोग आज अपन बात करेंगे के बारे ना जो सेक्टर एक्स एंटरटेनमेंट में शॉर्ट आउट मेरे भाई तुम्हारा लिंक डाल दूंगा नीचे एंड ये जो बंदा है ना ये मोस्टली फॉरिनर्स uh, जो होते हैं ना जैसे टूपाक हो गया बिगी हो गया उन सबकी शायद लाइफ स्टोरी डालता है पर ये

पूरे सीन से हटके पहले क्या होता था कि सिर्फ बीट बजती थी एक उसके बाद फिर धड़ धड़ रैप कर देते थे लोका को जानते हो पता है मैंने आपको एक मुंबई और पुणे रैपर्स का दिखाया था उसमें सब सब था कि जब मैं था नीचे तब थी क्या तू वो लोका और वो भी ड्रेड लॉक था ना, ना तो ये और मी मशीन को आपने शायद देखा हो नहीं दिखा याद नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा

मेरे नजरों में तो फर्स्ट आया था उसने डिलीट भी किया था ये वाला okay. यही वो सॉन्ग है जिसमें उसने एम और डिवाइन को डिस किया था uh -huh. और उसके बाद इसने डिलीट कर दिया पता नहीं क्यों आई नो आई डोंट नो बट है ना उसके बाद जब एम और uh, बा, बाकी लोगों ने डिस कल्चर वापस से आया ना तो इसने यही बोला कि मैंने ही ये किया था और मेरे को देख के तुम लोग चालू किए थे ऐसे सब कुछ मतलब बहुत सीन हुआ था ये एक इंडियन हिप हॉप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं ये लोग कुछ लोग मेरी इस बात से वाकिफ नहीं होंगे लेकिन कुछ जो एमसी स्टन के कोर वो डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे कि एमसी कितना डोप बंदा है तो आपको मैं बता दूं कि अपना जो वीडियो है वो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा पहले तो एमसी स्टन की पूरी बायोग्राफी होगी उसके बाद फिर इंटरनेशनल हिप हॉप में जो भी अपडेट हो रहा है वो मैं आपको दूंगा और फिर एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते अपन सॉरी मेरे भाई हम लोग सिर्फ इनकी बायोग्राफी फोटोग्राफी देखेंगे क्यों अरे ये वीडियो कितना पुराना हो सकता है तो उस वजह से अपडेट देगा हिप हॉप अपडेट तो वो सुनकर क्या करेंगे वो तो अब तक कब से तो दो साल पहले अपडेट हो गया ना वो तो पुराना न्यूज एमसी स्टैन की बायोग्राफी सी के में सी सी जिनका असली नाम है अल्ताफ शेख इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1999 पुणे महाराष्ट्र के अंदर एमसी स्टैन एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और उनका एक बड़ा भाई भी है जब वो सिक्स क्लास में थे तब उनके बड़े भाई ने उन्हें सबसे पहले एक रैप सॉन्ग सुनाया था जो की था फिफ्टी सेंट का मैंने भी मेरे जीवन में मोस्ट ऑफ द जो रैपर्स होते हैं ना वो फिफ्टी सेंट एमीन इन सब के रैप्स को देख के ही इंस्पायर होते हैं और फिर बनते हैं मोस्ट ऑफ़ की स्टोरी यही है जैसे एमी वे को भी उसके किसी क्लासमेट ने सुना दिया था फिर डिवाइन का भी सेम ऐसे कुछ सीन था भाई ने सुना दिया था कोई तो था अच्छा। तो इसका भी सेम हर हर बंदा रैप को कहीं ना कहीं से ही एक्सप्लोर करता है मैं सबसे पहले रैप सॉन्ग सुना था वो 50 सेंट का था और अपन जल्दी 50 सेंट की भी बायोग्राफी अपन कवर करेंगे तब से ही स्टैन को हिप हॉप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और उसके बाद फिर जब वो एट्थ क्लास में थे तब उन्होंने अपना पहला गाना लिखा था और इस गाने का नाम था बल्ती पब्लिक इसका पूरा वीडियो वगैरह शूट भी कर लिया था और उसका टीजर भी आउट हुआ था लेकिन किसी कारण ये गाना बाहर नहीं निकल पाया था इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मतलब स्टैन का जब ये ग्राइंड चल रहा था तब मुंबई सीन भी काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था मुंबई फाइनेस्ट और एस जैसे रैपर्स मुंबई से उठ के आ रहे थे डिवाइन पता है एम ई वे को इसने ऐसा बोला था कि तुम लोग मुंबई फाइनेंस से सीख के आए थे हाँ हाँ तो वो यही ग्रुप की बात करता था कि डिवाइन जैसे रैपर्स तब निकल रहे थे तभी एमईवे okay. नहीं थे ओके okay. हाँ सबसे पहले पहले जो मतलब ये जो बंदे है ना डिवाइन हाँ. ये पहले इंग्लिश में रैप क्या करता था सेम हाँ. सबका ऐसा ही सीन है एमईवे का भी यही सीन है डिवाइन का भी यही सीन है ये सब सब बहुत ओजी बंदे चैनल से मतलब का जब ये ग्राइंड चल रहा था तब मुंबई सीन भी काफी ज़्यादा मुंबई मुंबई से उठ के आ रहे थे नेजी, इन सब का हो चुका था। कोई भी ये, हाँ, ये बीच की बात बता रहे का मतलब बोल सकते है ना एम से पुराना है बोल सकते डिवाइन की एज थर्टीज में एम ए e. की एज ही चौबीस है अच्छा हाँ तो ऑब्वियसली बात वो जल्दी पैदा हो जल्दी रैप सीन में घुसा होगा बट मतलब मोस्ट मतलब ये जो अगर मुंबई सीन को देखने जाते हैं ना मोस्ट ऑफ सबसे पहले रैपर नेजी ने डिवाइनी मतलब अपने दिमाग में आएंगे और तब मुंबई सीन भी काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था मुंबई फाइनेस्ट और एस जैसे रैपर्स मुंबई से उठ के आ रहे थे डिवाइन नेजी बंटा इन सबका ग्राइंड चालू हो चुका था कोई भी ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकता कि मुंबई अंडरग्राउंड सीन बहुत ही बेहतरीन है और आज अगर आप मुंबई अंडरग्राउंड सीन में देखोगे तो एक से एक रैपर भरे पड़े हैं यानी आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे यार कौन सा रैपर बेस्ट है और कौन सा रैपर बेस्ट नहीं है मतलब इतने ज्यादा आर्टिस्ट और इतने बेहतरीन बेहतरीन आर्टिस्ट

अरे भाई सब रैपर्स की कहानी कुछ ऐसी है लाइक वो कमी वो पढ़े पढ़े हुए सिर्फ क्लास तक उसके बाद फिर प्राइवेट उन्होंने क्लास किया है एमसी सैन बचपन से काफी ज्यादा शरारती थे और बचपन से वो एडे चली वगैरह में इन्वॉल्व थे तो वो लॉकअप में भी जा चुके हैं और ऐसा दोस्तों एमसी सैन ने खुद राज जोन के इंटरव्यू में कहा भी है सैन बचपन से अलग थे और म्यूजिक टेस्ट उनका काफी ज्यादा अलग था और उनका जो म्यूजिक था वो सबसे अलग हटके था पूरे सीन में इसलिए वो इतना ऊपर उठ के आए है धीरे धीरे एमसीटन ने रैपिंग से प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया और उसमें भी वो काफी प्रो हो गए थे मतलब आज भी वो अपना म्यूजिक खुद बनाते हैं कि भाई एमसीएन का जो भी बीट्स होते हैं वो खुद प्रोड्यूस करता है हाँ। जो उसका फैशन होता है वो भी खुद करता है जो आ, क्या बोलते कैमरा डायरेक्शन डायरेक्टिंग वो भी वो खुद करता है एवरीथिंग वो खुद करता है कहीं, मुझे इनका चाली चैपलिन का लुक आता है कभी कभी कहीं इनकी

मतलब आज भी वो अपना म्यूजिक खुद बनाते हैं hmm. हाँ तो गाइस जैसे मैंने बताया कि मुंबई सीन काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहा था उस टाइम पे और एमसी स्टैंड धीरे धीरे साइफर वगैरह में भी जाने लग गए थे स्टैन यू तो पुणे से थे लेकिन वो मुंबई वगैरह भी जाते थे साइफर वगैरह अटेंड करने के लिए उस टॉपिक पे भी आएंगे लेकिन जो पुणे हिप हॉप था वो काफी इवॉल्व हो रहा था और ये लोग सब आपस में ही मतलब ये जब इसका फर्स्ट इंटरव्यू लिया था ना उसने किसी स्ट्रीट पे मतलब ऐसा लिया था इंटरव्यू और मतलब ये उतरा इतना स्वैग में मतलब लाइक like, बुरा अलग ही सा गया उधर इंटरव्यू ऐसा तो लग ही नहीं रहा ऐसा लगता है वो खुद का घर है अच्छा। वह कुर्सी पे यूं ऐसे वट से बैठ अच्छा। के तू ले इंटरव्यू मैं दूंगा भाई बहुत अभी चालू हो चुका था इनका पुणे सीन के अंदर ही स्टैन का कुछ अपने ही होमी से कुछ लफड़ा हो गया था और उसके बाद वो बंदे ने आके स्टैन के घर पे एफ यू सी के, के लिया और इसे अपना एक टैगलाइन बना दिया okay. स्टैन का एक अपने ही बहुत क्लोज से भी लफड़ा हुआ था उनका नाम है निक एल अगर आप पुणे हिप हॉप सीन से वाकिफ हो तो आपने जरूर निक एल का नाम सुना होगा जैसा की स्टैन मुंबई साइफर वगैरह में जाते थे तो एक बार वो साइफर अटेंड करने गए थे वहाँ पे मौजूद थे एमवे बनता है तो एम बंटाए ने उनको देखे कुछ

लेकिन शायद इस गाने में ज्यादा गाली वगैरह होने के वजह से YouTube ने इनके चैनल से ये गाना डिलीट कर दिया था लेकिन किसी और चैनल ने इनके नाम से ये गाना निकाला और उस गाने का नाम भी ऐसा था क्या मेरे को तो ऐसा किसने था कि इसने खुद ने डिलीट किया था ओके okay. पता नहीं क्यों <laughs> इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी मतलब इमेज खराब हो रही है या <laughs> ऐसा कुछ मेरे को इतना जैसे मालूम नहीं है बट जहाँ तक मैंने सुना था इसने खुद ने डिलीट किया था या फिर शायद उस टाइम पर देखो यार YouTube अभी ऐसे चीजों को डिलीट करता है 2016-17 में तो YouTube पे बहुत फलकर वीडियोस अपलोड होते थे जो डिलीट भी नहीं होते थे अच्छा। आज भी होते हैं पर आजकल क्या बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हाँ हो गई है हाँ हाँ। वी डोंट नो शायद कर दिया क्या पता ज्यादा आंखों में आ गया और डिवाइन भी थोड़े अच्छे सीन में थे और उनका काफी अच्छा नाम भी चल रहा था लेकिन शायद इस गाने में ज्यादा गाली वगैरह होने के वजह से यूट्यूब ने इनके चैनल से ये गाना डिलीट कर दिया था लेकिन किसी और चैनल ने इनके नाम से ये गाना निकाला और उस गाने का नाम भी बदल दिया रिप्लाई टू एम बंटा एंड डिवाइन करके अपलोड कर दिया तो उस वाले चैनल से भी ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो गया था और उस चैनल का फिर बाद में नाम बदल के एम सी स्टैन होम स्पेस रख दिया था यहाँ से फिर एमसी स्टैन का नाम ऑल ओवर द इंडियन हिप हॉप सीन में गूंजने लग गया था एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो डिस्क गेम चालू

करा था आपको याद होगा समझ में आया क्या मतलब मैं तो आज भी सुनता हूं वो गाना गाना काफी अच्छा वैसे देखा जाए दे तो इसी दौरान स्टैन ने अपना जो डेब्यू ट्रैक था वटा वो निकाल दिया था और वो गाना काफी अच्छा चल रहा था जैसे कितने व्यूज है फर्स्ट ही सॉन्ग पे इसको सही एम का समझ में आया क्या आया उसके बाद एमवे को रिप्लाई करा था एमसी स्टैन ने जिस गाने का नाम था खुजा मत उसके बाद खुजाम ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया इस सीन नहीं पे नहीं। कि क्या हो रहा है और वो अपने म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करने लगे और उसके बाद उन्होंने एक गाना निकाला था जिसका नाम था लोकी लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी ने कभी एमसी स्टैंड का पीछा नहीं छोड़ा एक मॉडल ने उनके ऊपर एलगेशन लगाया था ये मुझे कुछ गलत टेक्स्ट कर रहा है इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बराबर पता चल सकता है और सुनने में ऐसा भी है कि एमसी स्टैंड पे तीन का केस चल रहा है इस बारे में एमसी स्टैन ने कोई कंफर्मेशन किसी वीडियो में नहीं दिया है तो इस

निया ने जब लॉकअप में था ना खुजा मच से पहले उसने डिस्ट्रैक्ट निकाला था अच्छा। और जब भी लॉकअप से बाहर आया तो इसको तो पता भी नहीं था कि अमीबी ने उसको डिस्क किया है ओके। तो इसने निया का सॉन्ग देख के उसको पूछा कि ये सब क्या चला तो उसने बताया कि तेरे खिलाफ इसने इतना डिस्ट्रेक्ट निकाल दिया है इतने विलियन ऑफ व्यूज है मालूम नहीं है मैं देखो तभी तो बोलते कुछ खबर नहीं रहती है ये अपनी धुन में रहता है और ये सारी बातें उन्होंने राज जोन के इंटरव्यू में क्लियरली कहा भी है ठीक यार, है यार जिंदगी होता है लेकिन एमसी एमसीन रुके नहीं उन्होंने अपने म्यूजिक पे काफी ज्यादा मेहनत करा और और उन्होंने गाने पे गाने पे निकाले और अभी उनका लेटेस्ट ईपी आया है तड़ी पार उस ईपी का एक गाना एक दिन प्यार अभी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे भी है अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं सुना तो एक बार जरूर जाके सुनना तो इसी तरह सारी मुश्किलों को पार करके एमसी सेन अपने जीवन में आगे बढ़ रहे और काफी ज्यादा डॉप म्यूजिक निकाल रहे हैं ऑल द बेस्ट इस चैन के लिए और अपन आज यहीं पे उनकी बायोग्राफी खत्म करते हैं और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे एक अभी नाम के बंदे ने मदद करा उसका यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप सभी लोग जाके सब्सक्राइब करना तो चलिए इसी साथ में आपको कुछ इंटरनेशनल। ओके ब्रो हॉप अपडेट आप बहुत अच्छे देते हो हम लोग नेक्स्ट टाइम आपका सुनेंगे जब आप लेटेस्ट हम आपका वीडियो देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड कैसे लगा भाई पब्लिक मेरे को वो बताना नीचे कमेंट्स में यू नो वी वी वॉन्ट टू यू नो कि हमें ज़्यादा जाना तो उनके बारे में हमने हुँ. देखा इसलिए और कितनी चीज़ें हमको न्यू भी मालूम पड़ी इसमें से तो दैट इज द मेन थिंग क्योंकि हम लोग एमसी एम को सिर्फ उनके गानों से फॉलो करते रहे हाँ. हमें उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में और जाना था दैट इज़ बाय बाकी अगर तुमको अच्छा लगा हो ऐसे ही और अपडेट्स देखते हैं ऐसे ही और वीडियो देखते हैं एमसी चैनल के लिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस डेट बेल आइकन मिलते तुमसे किसी और अच्छी हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटो को चूतियों की कांड हम पे लेते गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट हल्का समझते अब कहता हूँ मुझे कमेंट कोई में, में तलिक तरह बुक थी क्लास में दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में मिले फ्रॉम द पीपल हुआ फेक एम इलेवन विद वुमन और स्नेक अकेला काटा था मैंने बर्थडे की इमेजिनेशन किया था बेक